मुंबई से सटे वसई विरार से बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मुंबई से सटे वसई के फादरवाड़ी इलाके की घटना है, जहां पर दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई और तीन बच्चों की जो तलाश है वो जारी है। आपको बता दें कि पालघर जिले के वसई इलाके में फादरवाड़ी इलाका है, जहां पर एक खदान में तैरने के लिए सारे बच्चे गए थे और वहां पर दो बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय तालाब में 5 बच्चे नहाने गए थे, उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वो हादसे का शिकार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं और पुलिस विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और तलाश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि वसई पूर्व के फादरवाड़ी इलाके के रहने वाले अभिषेक शर्मा उम्र 14 साल, अमित सूर्यवंशी उम्र 11 साल, ढोलू साहेब गुप्ता उम्र 10 साल, कृष्णालाल गुप्ता उम्र 16 साल और एक अज्ञात नाबालिग सहित कुल 5 लड़के जिनके डूबने की खबर सामने आ रही है। ये सभी दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच विद्यावर्धनी स्कूल के पीछे तालाब में नहाने गए थे। सभी बच्चों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वो पानी में डूब गए। 5 लड़के डूबे या किसी को पता नहीं चला, लेकिन काफी देर के बाद 2 शव पानी से तैरते हुए दिखाई पड़े, तब दुर्घटना की जानकारी हुई। स्थानीय लोगों ने दोनों शवों को बाहर निकाला और घटना की जानकारी क्षेत्र के वाली पुलिस स्टेशन को दी। सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराज रणवरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मनपा अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग रेस्क्यू अभियान जारी किया है और गायब हुए 3 बच्चों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे खोजी अभियान चलाए जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्हें भेज दिया है। वहीं गायब 3 बच्चों की तलाश जारी है। आपसे अनुरोध है कि ये बारिश के मौसम में छोटे भी गड्ढे हैं, भरे हैं, तो वो खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में अपने घर के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, नन्हे युवा जो हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आसपास के इस तरीके के इलाकों में भरे पानी के गड्ढों में कतई नहाने न जाए। ये हमेशा जानलेवा होता है और हर साल ऐसी बारिश में कई जाने जाती हैं।